भाई और बहनों, अरे राजनीति अपनी जगह पर होता ही है। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय लगा रहता है, लेकिन देश तो अजरामर होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित और भारत के संविधान की सर्वोच्चता सदा सर्वदा सर्वोपरि रहती है। जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव का दौर कितने दिन तक देश झेलता रहेगा, कब तक वीर माताओं के वीर पुत्र तिरंगे में लपट करके घर लौट आते होंगे, शहीदों का तांता लगता रहेगा, कब तक चलेगा? और मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, मैं आपकी मानवता को जगाना चाहता हूं। जब टीवी पर कश्मीर की कोई मां आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े बेटे को वापस लाने के लिए पांच पांच नमाज करती है, आंख में आंसू बहा करके टीवी के सामने बेटे को लौट आने के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है, घर से चला गया बेटे का छोटा सा बच्चा उसकी गोद में है, वो मां चीख चीख करके कह रही है तुम आतंकवाद के रास्ते से वापस आओ। मैं उन मानवतावादियों से पूछना चाहता हूं, जब कश्मीर की वो मेरी मां अपने बेटे को आतंकवाद का रास्ता छोड़ करके वापस आने के लिए अल्लाह के सामने सर झुकाती रहती है, नमाज करती रहती है, आंसू बहाती रहती है, ये मानवतावादी कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस मां को उसका बेटा वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और बेटे बम बंदूक के रास्ते पर न चले जाए, ऐसी कश्मीर की माताओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, हम मानवता को लेकर के आज इतने बड़े कड़े बड़े और जनहित के फैसले ले रहे हैं। अलगाव का दौर खत्म होना ही चाहिए, नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए, माताओं की गोद सुनी नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, वहां शांति बनाए रखने के लिए अनेक वीर शहीद हुए हैं और हरियाणा की तो धरती शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां की वीर माता ने ऐसा बेटा जन्म न दिया हो जो मां भारती के लिए, मानवता के लिए अपने आप को बलि न चढ़ाता हो। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पूरे देश में लेटर एंड स्पिरिट से लागू है, इसके लिए अगर पहली बार कोशिश हुई है तो उसका खुले मन से स्वागत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे दलित परिवारों, हमारे पिछड़े परिवारों को उनके जायज अधिकार मिले, इसमें कांग्रेस और उसके जैसे दलों को क्या आपत्ति है? साथियों, कांग्रेस और उसके सिपहसालारों को जो भी आपत्ति हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, राष्ट्रहित में, हरियाणा के हित में जो भी उचित होगा, जो भी आवश्यक होगा, उसके लिए डंके की चोट पर फैसले किए जाएंगे।
भाजपा की सरकारों का, चाहे वो केंद्र की रही हो या फिर हरियाणा की, हमारा ध्यान योजनाएं बनाने से ज्यादा, योजनाएं भी बनाएंगे लेकिन जितनी ताकत योजना बनाएंगे मैं लगाएंगे उससे ज्यादा उस योजना को, उसके अधिकार जिनका है, हक जिनका है, उनके दरवाजे तक ले जाने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी पर भी हमारा फोकस रहेगा। गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो भी योजनाएं भाजपा सरकार ने बनाई हैं वो सही लाभार्थियों तक पहुंच रही है।